हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आकाश दीपदान के बारे में। कार्तिक माह में दीपदान का बहुत महत्व होता है, उसी तरह आकाश दीपदान का भी बहुत महत्व है। यह आकाश दीपदान सिर्फ 5 दिनों का होता है। जो भी कार्तिक माह में आकाश दीपदान करता है वह सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है, सब लोगों का स्वामी और समस्त संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोगता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, दीपावली के 5 दिन एकादशी से लेकर दीपावली तक अगर आपको कोई भी मंत्र साधना सिद्धि नहीं आती है तो आप सिर्फ एक दीप दान कीजिए, आकाश दीप दान कीजिए। सिर्फ 5 दिन तक रात के समय भगवान को आकाश दीप दान करना बहुत शुभ होता है। शाम को जब दोनों वक्त मिलता है, जब हम पूजा करते हैं, जैसे नियर बाय 7 o'clock, 7 बजे के आसपास, 7 से 1 बजे के बीच आप कभी भी आकाश दीपदान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन 5 दिनों में एकादशी से लेके दीपावली वाले दिन तक आकाश दीपदान का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए इन 5 दिनों तक श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की तुलसी दल से पूजा करके रात में दीपदान करें। मतलब आपको सिर्फ एक गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना है और यह मंत्र बोलना है। वह मंत्र आपको मैं बोलने जा रही हूँ और मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी ताकि आप इसे अच्छे से पढ़ पाए। दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय चा नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योम दीपम हरि प्रियम। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ। दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योम दीपम हरि प्रियम। इसका मतलब है, मैं सर्वरूप एवं विश्वरूप धारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। फ्रेंड्स, अगर आप मंत्र नहीं बोल सके तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ दीपदान कर दीजिए और भगवान को हाथ जोड़ दीजिए तो भी आपका आकाश दीपदान भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, एकादशी से लेके दीपावली तक आकाश दीपदान जरूर कीजिए और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न कीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।